तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कई LMB लेकर के बैठा हूं और आप लोगों को ज़बरदस्त LMB टेस्टिंग दिखाने जा रहा हूं। और ये समझ लीजिए दोस्तों कि यह जो है 10 इंच के तवे पर यह जो है मैं टेस्टिंग दिखा रहा हूं, क्योंकि 2 फुट डिश एंटीना डेरीफ्री डिश के लिए पर्याप्त है। वैसे तो असली देखा जाए तो वीक सेटेलाइट पर ही इसका असली रिजल्ट मालूम पड़ता है, जैसे कि हार्डवर्ड हेलासेट और जो भी वीक सेटेलाइटें हैं, तो उसके लिए जो है ये अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को 10 इंच के होममेड डिश एंटीना पे आप लोगों को टेस्टिंग कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक मैंने LMB पहले ट्राई किया और एक ये LMB मैं सॉलिड की LMB है उसको मैं चेक किया हूँ। तो और ये डबल पोर्ट का है, ये इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। 35-37 इन दोनों का जो है 37% सिग्नल है, और इसे भी हम हटा लेते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिग्नल हमें इस छोटे से तवे पर कौन सी LMB का ज़्यादा रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, ये 900 रुपये वाली LMB है जो ब्लैक अल्ट्रा की तरह देखने में लगता है, लेकिन इसमें जो है इसका देख लेते हैं क्या रिजल्ट है। दोस्तों, इसका 42% सिग्नल है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से 42% सिग्नल है। अब इसे भी हम हटाते हैं, कभी कभी 44 भी हो जाता है, इसे हम हटाते हैं। और अब दोस्तों, दूसरी LMB की बारी है। ये उसका ब्लैक अल्ट्रा का डुप्लीकेट LMB है, और अब हम ये डिश TV की एक नई LMB है, इसका सिग्नल दिखा देते हैं। इसका भी सिग्नल बहुत ज़बरदस्त है, ये देख लीजिए, ये लोगो सही से आपको दिख नहीं पाता है, लेकिन जो है ये देखिए डिश TV की LMB है। तो इसका सिग्नल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका 44% 42-44 हो रहा है, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो ये देख लीजिए 44% सिग्नल है, इसका भी रिजल्ट बेस्ट है, सबसे बढ़िया है वीक सेटेलाइट के लिए। अब हम देखते हैं आगे वाला LMB, हम देखते हैं ये मोनोब्लॉक LMB, इसमें देखते हैं क्या रिजल्ट है। दोस्तों, इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं मोनोब्लॉक LMB पे, और देखते हैं कि मोनोब्लॉक LMB का क्या परफॉर्मेंस निकलता है। तो इसे अच्छी तरह से मैंने इस स्क्रू एंगल कर लिया है, ये 42% सिग्नल दिखा रहा है, डिश TV के LMB से हल्का सा कम है। बहुत अच्छी तरह से करने पर भी सही से जो है नहीं निकल पाता। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये रहा, ये देख लीजिए, ये 4 पोर्ट का LMB है, और इसे हम DD-free डिश के 8 इंच के तवे पे 10 इंच के तवे पे हम इसे लगाने वाले हैं। इस पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखें तब मज़ा आएगा। ये देख लीजिए, मैंने अच्छी तरह से स्क्रू एंगल आगे पीछे दाएं बाएं करके एडजस्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इस पर 42% सिग्नल है, ये डिश TV से थोड़ा सा कम सिग्नल दे रहा है, ये 42% सिग्नल है, 42 यानी कि 42% है, थोड़ा सा कम है। इसे भी हम रखते हैं साइड में। तो ये LMB मैं बिल्कुल लाइन से लगा लिया हूँ, ये देख लीजिए, इन सबों का 37 है, 39 है, ये 42 है, और ये भी 42 है, ये 42-44 कर रहा था, और ये वाला भी 42% सिग्नल है। तो दोस्तों, ये डिश TV का सबसे बेस्ट निकला है,
और ये तो 37% सिग्नल है, और ये 44 LMB जो है इन सबों का 44% सिग्नल है, और इसका भी 44% सिग्नल है, और ये रहा ब्लैक अल्ट्रा, इसका भी दोस्तों 44% सिग्नल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी दिखा दूंगा आप लोगों को। और सबसे बेस्ट LMB जो है 49% ये डिश टीवी का है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा 49% इसमें कैसे आया है। सबसे ज़बरदस्त सिग्नल देने वाला ये ब्लैक अल्ट्रा और डिश टीवी का LMB, ये सेम टू सेम। और एक टाटा स्काई का ये नया वाला जो रखा हुआ है, ये सबसे बेस्ट LMB ये तीनों हैं, डिश टीवी, टाटा स्काई और ब्लैक अल्ट्रा इसके टक। तो दोस्तों मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इन LMBs में जो है कौन सी LMB बेस्ट है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये सबसे घटिया LMB है, और इसका जो है 32% सिग्नल आ रहा है, 32-35% इसका सिग्नल आ रहा है। तो इसे भी हम करते हैं साइड में, और अब मैं दूसरी LMB आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे बेस्ट LMB दोस्तों 3 LMB है, और इस ये भी एक पुरानी LMB है, और मैं इस LMB को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इस पर क्या रिजल्ट है। ये देख लीजिए, इस पर भी दोस्तों जो है 35-37% सिग्नल इस पर भी आ रहा है। तो कभी कभी 42 भी हो जाता है, ये देख लीजिए, कभी कभी 42 भी हो जाता है, ये देख लीजिए। तो इसका भी रिजल्ट लगभग ठीक है, और मैं आगे वाले में दिखाने वाला हूँ कितना परसेंट सिग्नल है। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। और ये LMB दोस्तों, इसको मैं अब निकालने वाला हूँ, 44% दोस्तों, 42-44 दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी बढ़िया LMB है। अब इस 4 LMBs में मैं आप लोगों को ज़बरदस्त टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, दिल थाम करके बैठे रहिए। और इसके बाद ये LMB जो है, ये तो मैं दिखा चुका हूँ, इसका ज़्यादा सिग्नल नहीं है, इसका 35-37% सिग्नल है, 35-37% सिग्नल है, ये देख लीजिए। ये भी कोई ख़ास नहीं है, ये भी पुरानी LMB है, किसी कंपनी का नहीं, टूट गया है। अब दोस्तों बारी आ गई है 3 LMBs टेस्ट करने की, लास्ट तक देखें मज़ा आएगा। ये 3 LMBs में सबसे बेस्ट रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये आ गया ब्लैक अल्ट्रा, ये देख लीजिए दोस्तों, 44% सिग्नल, 44% दोस्तों, यह 49% तक भी चला जाता है। ये सबसे ज़बरदस्त बढ़िया से सेट करके मैंने देखा है, इस ये 49% भी सिग्नल चला जाता है इसका। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 2 LMBs और बची हुई है, एक टाटा इसका, एक डिश टीवी। ये रहा दोस्तों, एक डिश टीवी का नंबर आ गया, अब डिश टीवी देखिए, ये देख लीजिए डिश टीवी का कमाल दोस्तों, ये देख लीजिए 44-46% सिग्नल दोस्तों इसका भी दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों इस पे हिलासेट मैंने ट्राई किया था, हिलासेट पे सिग्नल आने लगा, लेकिन चैनल जंप करता था, और ब्लैक अल्ट्रा पर बिल्कुल स्मूथली चलता था, जंप ख़त्म हो गया था। ये है कलाकारी, सिग्नल पर मत जाइए, देखिए ये 49% सिग्नल हो गया, ये देख लीजिए ये 49% सिग्नल हो गया, 49% इस पर भी है, 49% ब्लैक अल्ट्रा पर भी है, और 49% डिश टीवी पर है। लेकिन मैंने डिश टीवी और
डिश टीवी और टाटा स्काई दोनों का लगा के देखा था, चैनल जो है जंप करते थे, सिग्नल जंप करते थे, चैनल बहुत ज़्यादा खिंच खिंच करता था और स्कैनिंग नहीं लेता था। और दोस्तों इस पर जो है ये है टाटा स्काई पर 4 इंच का खिडारण लगा लेने पर हेला से चलता था दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया चलता था, कोई दिक्कत नहीं। 44-49 इस पर भी होता है दोस्तों, बढ़िया से सेट अभी करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 44-49% सिग्नल इस पर भी होता है, 46 और 49, कभी कभी 49 भी हो जाता है। तो ये तो ब्लैक अल्ट्रा है, तो 46